डांट पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी। क्यों? तो अबू ने कहा था सुबह दाल लेके आओ पुत्रों के लिए, मैं स्कूल चला गया, मुझे मिस गया, और अब मैं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे दाल लेने। आ जा, हाँ आपका आज तुम दोनों मार खाओगे ना, पता चलेगा तुम भूल जाते हो। आप जा रहे हैं दाल लेने? मैं अपने विचार पर दरख्त देखते हुए विचार करने जाती हूँ। दाल हमें बहुत महंगी मिली है, 300 रुपए किलो है, और हम आधा घर लगाए हैं वो 150 की है, 150 की है वो, और अल्लाह करे अबू के आने से पहले भीग जाए दाल। इस डब्बे में मैं पानी डालूंगा और अल्लाह करे दाल गल जाए, और अबू भी सुबह से निकला हुआ है और अबू भी आएगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी। अल्लाह करे अबू के आने से पहले बुलाता हूँ। अभी दाल में देखो, अल्लाह करे भीग जाए, मैं इसको इसको धूप पर रखूँ। सुबह से हमारे इधर भूखे हैं, भूख पर है, और अबू मैं सुबह बोल गया था दाल लेकर आना और उसको भिगो कर पुत्रों को देना, फिर मुझे भूल गया था, नहीं तो अभी मैं पुत्रों को देता हूँ। अबू देता है दाल। आज आपको मार मिले तो मैं खुश होंगी, आपको मार भी नहीं मिले, क्यों भूल जाते हो आप? शैतान को खुशी होती है, खुश होने कुछ डांट पड़ेगी ना, शैतान हंसता है। शैतान तो आप हो, बेचारे दूसरों को सुबह से भूख पे डाल दिया है, खुद रोटी खा गए हो भूखे। फिर मैं भूल गया था ना भूख के घंटे। सुबह हम स्कूल गए थे, अब वापस आए हैं रोटी खा के, फिर हम ट्यूशन पे जा रहे हैं। अब